गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हमारा कैदी और कोकिला, पार्ट 12 है ये, तो इसको पढ़ते हैं। बेटा आपको अच्छे से चैप्टर को रीड करना है, पढ़ना है, क्योंकि उसी के बीच में से आपके प्रश्न आएंगे। क्या गाती हो, क्या रह रहे जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के ढेरे में, जीने को देती नहीं भरपेट खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तो यहाँ पर क्या बताया है कवि ने कि क्या गाती हो, क्या क्या रह जाती हो। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कोयल तुम क्या गाती हो, कि कोयल तुम क्या गा रही हो, क्या संदेशा ला रही हो। कोयल बोलो तो, कि बोयल कोयल बोलो, यह किसका संदेशा लेकर आए हो, मुझे इसके विषय में बताओ कि तुम क्या गा रही हो और क्या किसके बारे में संदेशा लेकर आई हो। जेल की ऊंची काली दीवारों के घेरे में, अर्थात जेल की कोठरी में, जिसमें चोर डाकू जेब कतरे सभी बंद है, कि डाकू चोरों बटमारों के ढेरे में, मरने जीने को देते नहीं भरपेट खाना, कि यहाँ पर जो जेल की कोठरी है उसके अंदर हम बंद हैं, सभी बंद हैं, न जीना बन पा रहा है, न ही मरना बन पा रहा है। इस प्रकार तड़प तड़प कर रहना पड़ता है, जीवन पर कड़ा पहरा हो, और जीवन पर क्या है कड़ा पहरा, यानी जेल में बंद है और बाहर पहरेदार हैं। इसलिए वह शासन की आलोचना करते हुए कहता है कि यह शासन है या अंधेरा का घना प्रभाव है, कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार शासन के बारे में कह रहे हैं कि यह शासन है या फिर अंधेरे का घना प्रभाव है। इस काली अंधेरी में जबकि दुख ही दुख है, तू काली हे काली क्यों इस प्रकार से जग रही है, इस समय क्यों गा रही है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वो कि कोयल तुम क्यों गा रही हो, और इसका कारण क्या है कि मैं हूँ जो काल कोठरी में बंद हूँ, डाकू चोर सभी क्या है काल कोठरी में बंद है और बाहर कड़ा पहरा है, और इसके बाद में भी, और जो ब्रिटिश शासन है उसकी तुलना यहाँ अंधकार से की है, कि जो ब्रिटिश शासन है वो अंधकार की तरह है, तो ऐसे में तुम क्यों गा रही हो। आगे है, हिमकर निराश कर चला भी रात भी काली, इस समय काली माँ जगी तू क्यों आली, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीख, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। इसके आगे वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो बोली सुनकर है वो हृदय में एक पीड़ा की तरह उभर रही है, यह पीड़ा बहुत बोझ वाली है, अर्थात गंभीर है। किसने यहाँ क्या लूट लिया, या किसकी वैभव की रक्षा करने वाली तू, कि सभी की वैभव की, कि वो बहुत अच्छा गाती है, रखने करने वाली। अरे कोयल बोलो तो, बावली तू आधी रात में क्यों चीखने लगी है, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात में चीख रही हो, कुछ इस बोलने का कारण बता दो, किस भयंकर आग की लपटे देखकर तुम बोल रही हो, कि तुम किस कारण से बोल रही हो, क्या तो तुमने जंगल में आग देख ली है, या फिर तुम्हारी बोलने का कारण क्या है, या फिर तुम कोई संदेशा लेकर आई हो इसी कारण से बोल रही हो। आगे इसमें, क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोहलू का चरक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात गजब ढारी आली। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों, क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति वो रही हो, क्यों कोकिल बोलो तो। इसके आगे कह रहे हैं कि क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, कि वो कह रही हैं कि कोयल क्या तुम्हें शरीर पर पड़े जंजीरों के गहने दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि जो हथकड़ियां हैं वो पहन रखी हैं, क्या वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। ये कह रहे हैं कि ये हथकड़ियाँ नहीं बल्कि ये तो अंग्रेजी शासन के आभूषणियाँ गहने हैं। तो हथकड़ियों को यहाँ पर क्या कहा गया है, गहना, हथकड़ियों को क्या कहा गया है, गहना। कोहलू का चरक चू जीवन की तान, तो कोहलू चलाने से जो निकलने वाली चरक चू की आवाज़ है वही हमारे जीवन का तान बन चुकी है। आगे, गिट्टी तोड़ने उंगलियों ने उन पर अपने गीत लिख दिए हैं, और जेल के कुओं में से पानी खींचने वाली मोट भी पेट पर जुआ बांधकर उसमें चलाते हैं। तो कुओं में से पानी निकालने के लिए क्या करते थे बेटा, पेट के ऊपर मोटी सी रस्सी बांध देते थे, उसी को कहा गया है कि यहाँ पर
दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो इसमें कह रहे हैं कि हम हैं जो ब्रिटिश शासन है उसकी, अंग्रेजों के शासन की अकड़ से भरे जलकूपों को खाली कर रहे हैं, कि जो कुएं हैं वो इस प्रकार हैं जैसे कि ब्रिटिश शासन की अकड़ हो, हम उनको खाली करते जा रहे हैं, अर्थात उनकी सत्ता को कमज़ोर बनाने के ऊपर कमज़ोर बनाते हैं, क्योंकि जो तू भी हमारे ऊपर हो रही अत्याचार को देखकर दिन में इसलिए नहीं बोलती कि शायद हमारे भीतर कष्टों को झेलने के विषय में सोचने का करुणा जग जाए, इसलिए तुम भी रात में मुझे सुना रही हो यह अजब अमानवीय संदेश व्यथा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कोयल है वो रात में बोल रही है, कह रहे हैं कि बड़ी इधर से देखो बेटा कि हम जो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता ब्रिटिश अकड़ का कुआ, कि जिस प्रकार से हम जो मोट है ये जो पेट पे बांध के खींच रहे हैं वो, कि पानी को इस तरह से खींच रहे हैं जैसे कि हम ब्रिटिश अकड़ का, ब्रिटिश शासन है उसकी अकड़ को कम कर रहे हों। दिन में करना क्यों जगे रुलाने वाली, और इसलिए तू हमारी हालत को देखकर दिन में नहीं बोल रही है, इसीलिए रात में बोल रही है कि ये सोच रही हो कि कष्टों के झेलने के विषय में सोचने पर करुणा जग गई है कि हम इतना कष्ट सहन कर रहे हैं, इसलिए तुम भी रात में मुझे सुना रही हो यह अजब अमानवीय संदेश की व्यथा। इस शांत समय में अंधकार को भेद हो रही क्यों, कोकिल बोलो तो, कि तुम इस अंधकार में क्यों, किस कारण से बोल रही हो, क्या कारण है तुम्हारा इस अंधकार में बोलने का, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, कि तुम चुपचाप से रहकर विद्रोह का बीज क्यों नहीं बो रही हो, कोकिल बोलो तो, कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस कारण से बोल रही हो। आगे, काली तो रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत भी व्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मत माती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नब नब पे संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, मेरा रोना भी गुना। तो यहाँ पर कवि आगे कहते हैं कि काली तू की कोयल काली होती है, रजनी काली रात भी काली है, और जो शासन है ब्रिटिश शासन वो भी काला है, यानी कि वो भी अंधकार के समान है, काली लहर कल्पना काली और उनकी सोच भी काली है, मेरी काल कोठरी काली और जिस काल कोठरी में बंद हूँ वो भी काली है, टोपी काली कमली काली कि जो टोपी है वो भी काली है, जो पैन है वो भी काला है, और जो मैंने जंजीर जो मेरे ऊपर रखी हुई है वो भी काली है, पहरे की हुंकृत भे ब्याली यानी पागल तिस पर है हे आली। यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार से चारों तरफ क्या हो रही है, बहुत ही अत्याचार उनके ऊपर हो रहे हैं, इसलिए सारी चीज़ें क्या हैं काली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, और इस काले संकट पे मरने की जो हमारी बारी है, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो, कि तुम्हारे जो गीत हैं तुम इतना अच्छा गाती हो वो तुम क्यों नहीं गा रही, किस कारण है कि तुम इस तरह से आवाज़ निकाल रही हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे कह रहे हैं कि तू तो आराम से, जो कोयल है उसके लिए कह रहे हैं कि कोयल तो आराम से हरियाली डाली पर घूम रही है, और मेरे नसीब में काल कोठरी है, तेरा नंबर में संचार, जो कोयल है वो पूरे आकाश में आराम से विचरण कर रही है, घूम रही है, और मेरा 10 फुट का संसार, और मैं इस काल कोठरी में बंद हूँ जो 10 फिट की है, तेरे गीत कहावे वाह, मेरा रोना भी गुनाह, और तेरे गीत जब सुनते हैं तो सभी वाह वाह करते हैं, लेकिन मेरा तो यहाँ पर रोना भी गुनाह है, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणबेरी। इस प्रकार से तेरी और मेरी विषमता को देखकर ये जो बजा रही तिस पर रणबेरी, और ऐसे में जो मुक्ति के गीत गा रही हैं रणबेरी, यानी कि जो युद्ध शुरू होता है उससे पहले की आवाज़ है, कि उसके कारण वो उसकी आवाज़ नगाड़ों की आवाज़ बज रही है, कि तू अपने गाने से अपने स्वर्ण से स्वर रूपी रणबेरी सुना सुनाकर मुक्ति के संग्राम के लिए प्रेरित कर रही हो, तुम्हारी इस हुंकार के बदले तुम्हें बताओ मैं और कृति यानी रचना के माध्यम से क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर कह रही हैं कि देख विषमता तेरी मेरी बजा रही रण इस पर रणभेरी, की जिस प्रकार से तुम्हारी जो आवाज़ है वो एक प्रकार से संग्राम के लिए प्रेरित कर रही है, युद्ध के लिए रणभेरी बजा रही है इस उपरांत पर, कि तुम्हारी इस आवाज़ पर अपनी कृति से और क्या कहूँ, कि जो मेरी कलम है क्योंकि वो कवि हैं, कि मैं क्या कहूँ मैं और क्या करूँ, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों के आसव किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो, कि आगे कह रहे हैं कि बताओ मैं क्या करूं, कि हे कोयल तुम ही बताओ कि मैं गांधी के देश की स्वतंत्रता के व्रत की रक्षा के लिए अपने प्राणों के रस का आश्रय
असव बनाकर किस प्रकार से प्राणों में भर दूँ, कि मैं किस प्रकार से देश की स्वतंत्रता में अपना भाग दूँ, किस प्रकार से मैं उसमें हिस्सेदारी करूँ। तो आपको बेटा ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।